नमस्कार नमस्कार प्रिय मुरादाबाद जनता। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका, सभी लोगों का हार्दिक दिवाली के शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पर अभी जांच के माध्यम से हमको ये पता चला, ये ग्राम पंचायत पड़ता है देवीपुर नगला, ये ब्लॉक बिलारी में पड़ता है। यहाँ हमको पता चला कि ग्राम प्रधान, सचिव और सेक्टर अधिकारी, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं BDO तक इन लोगों ने पात्रता को छोड़कर अपात्र लोगों को मकान दिलाया है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके। और इसमें ये केस है, स्पष्ट है, पात्र का नाम है आखिल फतेह मोहम्मद, और आखिल फतेह मोहम्मद को छोड़कर आखिल सन ऑफ फरजंद इनको पैसा दे दिए। पर लाभार्थी के जो सूची में आखिल फतेह मोहम्मद का नाम है, और आखिल और फरजंद दोनों, फरजंद है प्रधान के पति और आखिल है प्रधान के बेटा, और प्रधान के नाम है नजमा। और ये पक्का तरीके से फ्रॉड करके पात्र लाभार्थी को छोड़कर मकान के जो पैसा है प्रधान पति और प्रधान बेटा ने इसको लूट लिया। बहुत बड़ा अपराध है ये, और हम लोग आपको बार बार कहते हैं ये इसको अलाउ नहीं करेंगे हम लोग, और तत्काल प्रधान के नाम से और सचिव के नाम से, संबंधित ADO पंचायत सेक्टर अधिकारी के नाम से, अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से एवं BDO बिलारी के नाम से FIR दर्ज हो रहा है। FIR दर्ज होगा, फिर उसके बाद उन लोगों का अरेस्ट होगा, फिर उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट में उन लोगों का कार्रवाई की जाएगी वहां से, और पनिशमेंट भी वहां से हो जाएगा। ये जो मौका इसमें मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, बार बार हम कह रहे हैं सिक डेटा में पात्र लोगों का नाम दर्ज है, इसमें किसी भी तरीके से प्रधान और सचिव से पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई भी पात्र है या अपात्र लोग आपको अच्छी तरह पता चलेगा, आपका नाम है सिक डेटा में ऑलरेडी दर्ज है। वो 2010 से सेंसस माननीय भारत सरकार ने कराया, और हर एक ब्लॉक में भी वो अवेलेबल है, हर एक ग्राम पंचायत और रेवेन्यू विलेज में भी वो अवेलेबल है आपके पास। तो आपके नाम ऑलरेडी हो तो आप ऑलरेडी पात्र होंगे। अगर आपका आपके पास कच्चा मकान है आप लोग पात्र हैं, और अभी छूटे हुए लिस्ट है, छूटे हुए पात्र लोगों का नाम, उसका भी अभी सर्वे हो रहा है, और उन लोगों का नया सूची भी हम बना रहे हैं। जिनके पास कच्चा मकान है वो अपने आप पात्र हो जाते हैं, और गरीब से गरीब लोग भी अपने आप पात्र हो जाते हैं। कृपया करके जाके अपना BDO से बात कर लेना, अपना नाम को पहले दर्ज कर लेना, जिनका छूटे हुए नाम सेक डेटा से छूटे हुए नाम पात्र लोगों के लिए हम ये बात बता रहे हैं। और कोई भी किसी भी तरीके से ये एक रुपया भी किसी को देना नहीं, प्रधान या सचिव या BDO आपका मकान नहीं दे रहे, ये प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार के माध्यम से आपको मकान दिलाया जा रहा है। अगर आप गरीब हो, गरीब से गरीब हो, और अगर आप कच्चे मकान में रहते हो, अपने आप पात्र हो जाते हैं। वो SC हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबके लिए एक ही नियम बनता। तो कृपया करके अगर आपका नाम छूट गया तो BDO के पास जाके अपना नाम को दर्ज कर लेना, अगर आप कच्चे मकान में रहते हो तो। और प्रधान, सचिव, BDO, सेक्टर ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटर, कोई भी अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं उनको पैसा मत दो, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से ये मकान आपको दिलाया जा रहा है। कृपया करके अगर आप पात्र लोग तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। अगर आप अपात्र हो, अगर आप अपात्र होने के बाद भी अगर आपको मकान दिलाया गया लोगों ने, या किसी भी तरीके से आपने पैसे दे के अगर आपने मकान लिया है, तत्काल आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तत्काल होगी, और आपके नाम से FIR भी दर्ज किया जाएगा। और जो पैसा हमारे माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो पैसा आपको दिलाया गया है, उसका भी रिकवरी किया जाएगा। तो कृपया करके जो भी अपात्र है, आप लोगों को स्वयं पता है कौन पात्र कौन अपात्र। अगर अपात्र लोगों के पास मकान दिलाया गया और मकान बन गए, अगर पैसा मिल गया सरकार के पैसा, कृपया करके इसको वापस करिए, और तत्काल जाके BDO को सूचित करिए। बिना तो हम आके आपके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, आपको जेल भी भिजवा देंगे। धन्यवाद।